परसों तरसों यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, उसमें एक वीडियो थी, उसमें बताया कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर जिसने पता नहीं कितने इनामात जीते मुकाबलों में, और एक दिन वो रिंग में आया और उसने फिर बताया कि मुझे कैसी खतरनाक, हाँ उसको ब्लड कैंसर था। अब आप बताओ उसने अमेरिका के बिल्डर हमारे बिल्डरों की तरह, हमारे तो जिस दिन चार अंडे खा लें तो समझते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े, अब हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं कि चार अंडे खाए हमने, तो यही होता है ना। तो वो लोग तो चूंकि, और ये हमारी खूबी है क्योंकि हमारे पास दुनिया में और भी काम है। मैंने किसी बिल्डर से पूछा, मैंने कहा यार अमेरिका के इतने बड़े बड़े बिल्डर होते हैं पाकिस्तानी, उन्होंने कहा पाकिस्तानियों के पास बॉडी को बिल्ड करने के अलावा और भी गम है, रमज़ान भी है, हज भी है, उम्रा भी है, अब्बा की खिदमत भी है, अम्मी की खिदमत भी है, बीवी का ख्याल भी है, बच्चों का ख्याल भी है, गोरों के पास करने धरने का कोई काम है ही नहीं, तो जो बिल्डर है वो बिल्डर ही है, उसके अब्बाप भी बॉडी बिल्डिंग, उसकी माँ भी क्या है बॉडी बिल्डिंग, यानी वही सब कुछ है, उसका खुदा भी वही, उसका रमज़ान भी वही, उसका हज भी वही, उसको हज का सवाब भी बॉडी बिल्डिंग में मिलेगा, जब उम्रा करना चाहेगा तो और थोड़ा सा वेट उठा लेगा, सही है ना। तो वो कह रहे हैं वो 24-24 घंटे उन लोगों का काम यही होता है कि भाई जब कोई हदफ ही नहीं है ना सामने, तो हदफ ये है कि मैंने अपनी बॉडी को बिल्ड करके दुनिया का चैंपियन बनना है, तो अब वो सुबह घुसेगा जिम में, फिर पुलिस आएगी उसको निकालने के लिए, बाहर आ जा भाई बहुत हो गई, ठीक है ना। फिर जब वो सोते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बिल्डर को सोना ज़्यादा पड़ता है, तो घोड़े बेच के सोते हैं, फजर जोहर असर मगरिब इशा का कोई परवाह नहीं, उनको डॉक्टर ने बताया तो इतनी देर तुमने एक्सरसाइज की है तो अब इतनी देर सो जाता है। हम सोएंगे, अब्बा आगे एक लात मार के उठाएंगे, उठ बे तुझे मैंने अंडे लेने भेजा था, क्या कर रहा है तू, क्या ख्याल है भाई, तो अब जन्नत भी है ना, अब जहन्नम भी है, तो हम उठेंगे अब्बा क्या क्या मसला है। अंग्रेजों के अब्बा बब्बा की टेंशन उन्होंने पाली भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं ये टेंशन में, तो वो सोते हैं, तो सोते हैं, जब खाने पर आते हैं डॉक्टर बताता है भाई आपको इतने प्रोटीन लेने हैं या इतनी कैलोरीज लेनी है, तो वो गवर्नमेंट से मंजूर करा लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहती है भाई कुछ लोग मुल्क का नाम इस लिहाज से ऊंचा करें, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से उनके बकरे मंजूर होते हैं, फिर वो गवर्नमेंट उनको वो फिर खा रहे हैं, फिर बकरे खा रहे हैं, हम खाएंगे बकरे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे भाई। तो वो पाकिस्तानी बिल्डर थे, उन्होंने कहा भाई हमारे साथ मसाइल हैं, उनके पास दुनिया में इसके अलावा कोई गम है ही नहीं, लिहाजा वो भाई यही। तो मैं ये कह रहा था देखो अमेरिका का इतना बड़ा बिल्डर जिसके पास इसके अलावा कोई गम नहीं, उसने सेहत का किस कदर ख्याल किया होगा, जिसका हदफ और जिसकी कामयाबी क्या है, वो कामयाबी इसी चीज को, उसकी जन्नत भी यही, उसका हज भी यही, उसका उम्रा भी यही, तो सब कुछ यही है, तो उसने कितनी स्ट्रगल की होगी, वैक्सीनेशन भी कर चल रही होगी, हर तरह के हिफाजती टीके भी लग रहे होंगे, सारी वैक्सीनेशन भी मुकम्मल, और रोज हर वक्त डॉक्टर आके चेकअप भी करते हैं उनका, तो फ्री जब देखते हैं ना गवर्नमेंट कोई इस शोबे से मुखलिस, तो गवर्नमेंट खुद उनको फिर जो है वो इस प्रमोट करती है, तो सारी चीज़ें मिल रही हैं, मगर वो कितनी ख़तरनाक बीमारी, ब्लड कैंसर।